जी तो देख लें जी, असली बिल्ले सान निकल रहा है। ठीक है, मैं अभी को आपको मुकम्मल तरीका कार इसका बता देता हूँ और दरख्त भी आपको दिखा देता हूँ मुकम्मल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्ले सान मैं ढूंढ रहा हूँ इन वादियों में। देख लें, इन वादियों में, पहाड़ों में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है कोई ना कोई, तो अभी ढूंढ रहे हैं। मुझे कोई मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव वीडियो बिल्ले सान का तेल हम ओरिजिनल जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको कुछ जानने वाला है तो वो कैसे निकाल सकता है, और अगर आप किसी बंदे से रابطہ वगैरह करते हैं तो वो आपको निकलवा कर दे दे, यानी कि ऊपर आप खड़े हो जाएं तो फिर ओरिजिनल है, वरना ये 15 रियाल, 20 रियाल और ये 100 रियाल का ये ओरिजिनल है जी। ये बातें हैं फिर भाई। ओरिजिनल जो है वो वही है बिल्ले सान का तेल, जो आप ऊपर खड़े होकर निकलवा लें या खुद से निकाल लें। तो ढूंढ रहे हैं, कोई मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लें, ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इन इलाकों में जहाँ ये कांटे वाला दरख्त, ये पौधा जिसे पखड़ा भी बोलते हैं, ये हो इन इलाकों में बिल्ले सान पाया जाता है। ये इसकी निशानी आप बोल रहे हैं, जिन इलाकों में ये पखड़ा होगा ज़्यादा वहाँ आपको करीब कहीं ना कहीं बिल्ले सान ज़रूर मिल जाएगा। तो देख लें, दरख्त हैं, हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर को देखते हैं। देख लें, यहाँ पर आपको दरख्त काफ़ी मिल जाएंगे, यानी कि इनमें देसी किक्कर जिसे बोलते हैं हम, ये काफ़ी यहाँ पर मौजूद है काफ़ी तादाद में। लेकिन इन्हीं के करीब हमें एक बिल्ले सान मिला है, तो ये देख लें, मैं आपको इसका थोड़ा नज़दीक जाकर दिखाता हूँ। ये पहाड़ियों में आपको मिलेंगे, ये कन्फर्म बात है, जहाँ पर पहाड़ियों पहाड़ी इलाका हो उस इलाके में ज़्यादा मिलते हैं ये बिल्ले सान ओरिजिनल, इसकी पहचान है जी। अभी ऊपर वेदर देख लें आप, ये मौसम है, अभी बारिश हुई थी, अभी ख़त्म हुई है। तो भाई बात यह है कि इसकी पहचान ये है कि एक तो ये दरख्त देख लें आप कैसा है, ठीक है, सही है जी। इसके पत्ते देख लें, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। इसकी टाहियाँ देख लें, आप इसके पास बैठ जाएंगे ना तो इसकी खुशबू से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यानी कि आप ये इसकी टहनी है ना, इसको आप हल्का से ऐसे करते हैं ना तो ऐसे आप इसको खुशबू या इसकी सूंघेंगे आपको बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और जो जैत है वो ये है जी, शायद मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी, लेकिन मैं ना मेरे हाथ को लग गया, लेकिन मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ कि जैत निकालते कैसे हैं इसका, तो वो आपको लाइव दिखाता हूँ अभी। बहरहाल बिल्ले सान का दरख्त देख लें, खुशबू इसकी बहुत है, आप कोई भी टहनी इसकी ऐसे करेंगे तो खुशबू आपको बहुत प्यारी मिलेगी इसकी जी। तो ये बोतल देख लें जी आप, ठीक है, ये बोतल के ऊपर देख लें कि मैंने इसके अंदर थोड़ा निकला हुआ है, ठीक है, ये पहले से निकाला हुआ था, पड़ा हुआ था, इसके अंदर ही थोड़ा निकालेंगे। अच्छा, इस बोतल में आप छोटी सी कोई भी कांच की बोतल ले लें, इसके ऊपर मैंने ये लगाई हुई है जी, आप देख लें, ये इसको मैंने एक मीटर जो होता है लोहे का उसकी थोड़ी सी पीस काट कर इसके ऊपर, लेकिन आप कोई भी लकड़ी, यानी कि लकड़ी बोल रहा हूँ, कोई भी लकड़ी का पीस हो ऐसा या लोहे की कोई चीज़ हो ऐसी, वो बोतल के ऊपर लगाएं। क्यों? आपको जब आप तेल निकालेंगे तो आपको तेल बिल्कुल आसानी से निकलेगा और ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इससे बिल्कुल कतरा बिल्कुल हल्का हल्का सा निकलता है। आपको मैं दिखाता हूँ, तो अभी निकालना शुरू कर दिया। एक चीज़ आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर मेरी फिंगर के ऊपर आपको शायद दिखाई दे रखा हो, ये देखने लगा हुआ है, ये निकलता कैसे है अभी आप ये देख लें, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये देख लें अभी, और इतो और को थोड़ा ऐप हट है। आपने ऐसे लेना है, कोई भी टहनी ले लें, उसके नरम जो पत्ते हैं वो आपने उखाड़ना है, उखाड़ने के बाद सीधा कर इतो ला इतो, उखाड़ने के बाद आपने कोई भी ऐसे ये पता जैसे ये है ना, इसको निकाला, ये देख लें, इसके पास से निकल रहा है, यानी कि आपने कोई भी ऐसे लेनी टहनी इसका, ये जैसे ये आगे जो नरम पत्ते होते हैं वो आपने ऐसे तोड़ा है, ये देख लें यहाँ से, ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई अभी, ये देख लें, ये मेरी फिंगर के ऊपर दिखाई दे रहा है ये आपको, ये लगा हुआ, ये ऐसे हल्का हल्का निकलेगा, आप टहनी के ऊपर लगाते जाएं और निकालते जाएं। हाँ ठीक है जी, आगे समझ, ये लोहे की जो ये है ना, ये लगाने का मकसद ये होता है कि इससे बिल्कुल हल्का हल्का निकलेगा, और वो हल्का हल्का आपने सेफ करना है, अगर डायरेक्ट बोतल उसके साथ लगाएंगे तो बोतल में सेफ नहीं होगा,
लोहे की कोई पतली लगाएंगे ऊपर, वो बिल्कुल हल्का हल्का जो पास होगा उसको भी ऐसे साफ़ कर दी जाएगी। तो ये इसका तरीका है, लोहे की पतली से आप बिल्कुल साफ़ करते जाएंगे टाहनियों के साथ, पत्ते जो लगे हुए पत्ते ऐसे तोड़ते जाएंगे, जैत निकालते जाएंगे। ये इसका तरीका है, एक बेहतरीन तरीका है, और ओरिजिनल बिल्लेसान भाई ऐसे ही निकलता है। और आप किसी से निकलवा लें या खुद निकाल सकते हैं तो वो बेहतरीन है। बाकी ये मदीना से अगर खैबर की तरफ जाएं तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में है, लेकिन ये मुंतका जिजान से आपको मैं दिखा रखा हूँ। यहाँ पर एक बिल्लेसान का दरख्त था जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ओरिजिनल बिल्लेसान की पहचान और इसके निकालने का तरीका भाई आपको मैंने बता दिया है। मज़ीद आप भाई उन किसी और चीज़ के मतलब देखना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।